तक आपके साथ मैं नेहा बात हूं। इस वक्त की खबरों की शुरुआत करेंगे। दरअसल दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है। देश भर में पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली में महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत को लेकर कुछ ऐसी ही हैरानी सामने आई है, क्योंकि तेल कंपनियों ने आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती का ऐलान किया था। लेकिन आधी रात से ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 5% तक वैट बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि देश भर में पेट्रोल 2 रुपए सस्ता होने के बावजूद दिल्ली में 28 पैसे महंगा बिक रहा है। तेल कंपनियों ने आधी रात से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कटौती का ऐलान किया। अगर केजरीवाल सरकार वैट की दर नहीं बढ़ाती तो मोटे तौर पर इसकी कीमत 64 रुपए 62 पैसे दिल्ली में होती। इसकी पुरानी वैट दरों की गणना शामिल नहीं है, लेकिन वैट की दर 20 से बढ़ाकर 25% करने की वजह से दिल्ली वालों को 2 रुपए की राहत की जगह 28 पैसे ज्यादा देने होंगे। आधी रात से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 66 रुपए 90 पैसे हो गई है। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमत 2 रुपए नहीं घटाती तो झटका कितना तेज लगता। अगर तेल कंपनियां 2 रुपए की कटौती नहीं करती तो राजधानी में दोनों तेल यानी कि डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 1 रुपए 83 पैसे का इजाफा हो जाता। यानी कि राहत देश भर में तो है, लेकिन दिल्ली में कीमतों को लेकर राहत नहीं बल्कि ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दिल्ली पर आपने चला वैट का कोड़ा। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर बढ़ा वैट। देश में सस्ता, दिल्ली में महंगा हुआ तेल। केजरीवाल सरकार ने किया तेल से खेल। आधी रात से पहले दिल्ली के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल भराने की रेलम-पेल मची थी। हर कोई टंकी फुल कराने को लेकर बेकरार था। लग रहा था कि मानो दिल्ली में इसके बाद से तेल की कोई किल्लत होने वाली हो। दरअसल देश की राजधानी के पेट्रोल पंपों पर तेल को लेकर यह अफरा-तफरी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के एक फैसले से मची। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट का ऐसा हंटर चलाया कि एक झटके में लोगों को अपनी जेब कटती नजर आने लगी। सर, ये जो सरकार है ये कब क्या कर रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कब डीजल बढ़ा रही है, कब बजट आ रहा है, क्या सत्र आ रहा है। सरकार बेकॉफ अपनी नीतियां चला रही है और बाकी जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। नुकसान है, ये धोखा मार रही है। धोखा है, ये धोखा है। अब वो कहते कुछ थे जी, करते कुछ है। अब फर्क तो है ना कहने करने में। पहले कुछ कहते थे, करते अब कुछ है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में वैट का दायरा बढ़ाने का जो बिल पास किया था उसकी पहली झलक कल शाम दिख गई। केजरीवाल सरकार ने आधी रात से दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 20 से बढ़ाकर 25% कर दिया, जबकि डीजल पर 12.5% से वैट बढ़ाकर 16.6% कर दिया गया। अब देखिए वैट दरों में इस बढ़ोतरी का असर क्या हुआ। वैट बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के ऐलान के कुछ देर बाद ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया। इससे देश भर में पेट्रोल और डीजल तो सस्ता हो गया, लेकिन इसके उलट दिल्ली में तेल महंगा हो गया। यानी आम आदमी पार्टी के राज में वैट बॉम्ब से आम आदमी की जेब कट गई। दिल्ली सरकार के पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले के तुरंत बाद तेल कंपनियों ने भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती कर दी हो, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वैट की बढ़ी हुई दरों के कारण दिल्ली में अभी भी पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें ही लोगों को चुकानी होगी। आइए अब आपको समझाते हैं राजधानी के लोगों के जेब पर वैट की कितनी मार पड़ी है। दिल्ली में आधी रात से पहले तक पेट्रोल की कीमत 66 रुपए 62 पैसे थी। तेल कंपनियों ने आधी रात से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कटौती का ऐलान किया। अगर केजरीवाल सरकार वैट की दर नहीं बढ़ाती तो मोटे तौर पर इसकी कीमत 64 रुपए 62 पैसे होती। इसमें पुरानी वैट दरों की गणना शामिल नहीं है, लेकिन वैट की दर 20 से बढ़ाकर 25% करने की वजह से दिल्ली वालों को 2 रुपए की राहत की जगह 28 पैसे का चूना लग गया। आधी रात से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 66 रुपए 90 पैसे हो गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं अगर तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमत 2 रुपए नहीं घटाती तो झटका कितना तेज लगता। अगर तेल कंपनियां 2 रुपए की कटौती नहीं करती तो राजधानी में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाकर पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 1 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो जाता।
यानी पेट्रोल की कीमत 69.40 रुपए और डीजल की कीमत 52.05 रुपए हो जाती। लेकिन तेल कंपनियों ने 2 रुपए की कटौती कर दिल्ली वालों को वैट बॉम्ब से थोड़ी राहत दे दी। इसी तरह डीजल की कीमत दिल्ली में पहले 50.22 रुपए थी। तेल कंपनियों द्वारा डीजल के दाम में 2 रुपए कटौती के बावजूद दिल्ली वालों को डीजल पर प्रति लीटर सिर्फ 50 पैसे का फायदा मिलेगा, क्योंकि डीजल पर वैट 12.5% से बढ़ाकर 16.6% कर दिया गया है। ये स्वाभाविक रूप से ये बहुत विश्वासघात का ही विषय है। आप देखिए, आज दिल्ली के ऊपर जिस प्रकार से केजरीवाल जी के सरकार ने वैट बॉम्ब डाला है, आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की सरकार की असलियत को देख रही है। चंद दिनों पहले हम और आपने बैठ के डिबेट किया था कि किस प्रकार 520 करोड़ रुपए का बजट जो है केजरीवाल जी की सरकार अपने ही महिमा मंडन के लिए केवल केजरीवाल केजरीवाल नाम लेने के लिए FM में खर्च कर रही है। अगर इसी पैसे को वो नहीं खर्च करती तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, अतिरिक्त बर्डन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिल्ली वालों ने आम आदमी की चिंता के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन चंद महीने के भीतर ही वैट का हंटर चलाकर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को तिलमिला दिया। जाहिर है विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा होगा और इसके पक्के आसार हैं कि तेल के खेल पर दिल्ली की सड़कों पर सियासी संग्राम छिड़ जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त प्रगति मैदान से हमारे संवाददाता प्रमिला दीक्षित और जसोला से हमारे संवाददाता चिराग गोठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमिला, सबसे पहले आपसे ये सवाल, तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल दोनों के दाम घटाए, लेकिन इसका फायदा दिल्ली वालों तक नहीं पहुंचा, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि काफी फीसदी हिस्सा उनकी कमाई का पेट्रोल और डीजल दोनों पर खर्च होता है। बिल्कुल, फायदा कोई हुआ नहीं, लेकिन नुकसान चूंकि बहुत कम रहा, इस वजह से शायद अभी लोग बोल पा रहे हैं। गुस्सा भी दिख रहा है और साथ साथ जो लोग समर्थक हैं सरकार के, वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार पर, सरकार को खर्चा चलाना है, वो किसी तरह चलाएगी, तो मिक्स रिएक्शन है। और तमाम लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि सुन तो रहे हैं कि दाम कम हुए, लेकिन जब दाम दे रहे हैं तो कोई खास फर्क कुछ उन पे जेब पर असर पड़ ही नहीं रहा, तो ये बात जरूर सामने आ रही है। और लोग अब घेरने पर तुल गए हैं सरकार को, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ अरविंद केजरीवाल के पुराने ट्वीट्स का ही हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने बीजेपी सरकार को किया था, ममता बनर्जी को लिखा था कि सरकार वैट क्यों लगा रही है, क्या वो करप्शन को कम करके जनता पर बोझ कम नहीं कर सकती। तो अब उन्हीं सब बातों का हवाला दिया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन भी हमको इसमें देखने को मिल रहा है। जी, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चिराग के पास जाएंगे, उससे पहले मनीष सिसोदिया का वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने वैट क्यों बढ़ाया है इस पर सफाई दी है। मनीष सिसोदिया ने क्या लिखा है ये दिखा देते हैं आपको। पेट्रोल डीजल में टैक्स रेट एक समान करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में एक समान रेट करने की कोशिश की गई है, ऐसा पहली बार उत्तर भारत में हो रहा है। चिराग, आपसे यही सवाल, क्योंकि आपको यानी कि आप सरकार को अब बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, विपक्ष भी निशाना साध रहा है, जनता भी जो उनको भारी बहुमत से जिता चुकी है वो भी कई सवाल करेगी। अभी तो बहुत कम नुकसान हुआ है दिल्ली वालों को, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह से दिल्ली और उसकी जनता इससे निपटेगी? देखिए, निश्चित रूप से नुकसान तो हुआ है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, और आने वाले समय में सरकार ने जिस तरह से अब वैट बढ़ा दिया है जिसकी कीमत का सीधा सीधा असर पेट्रोल डीजल पर पड़ा है, जैसे कि हमारी रिपोर्ट में भी साफ है कि किस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस जो है 50 पैसे बढ़ गए हैं और डीजल हालांकि मामूली रूप से कम हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल फायदा होना चाहिए था, यानी कि जो कच्चे तेल की कीमतें घटी थी 2 रुपये प्रति लीटर, उसका असर दिल्ली में दिखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार चाहे जितना कहे कि उन्होंने शिक्षा में 2 गुना बजट बढ़ा दिया है या दूसरे हेड्स में 1.5 गुना बजट बढ़ा दिया है, पहली सरकारों ने नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, अमूमन दिल्ली में 80 लाख के आसपास व्हीकल्स हैं, तो ऐसे में लोग जो है डीजल और पेट्रोल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर उन्हीं की कीमतें बढ़ जाएगी तो आप निश्चित रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका असर न सिर्फ डीजल पेट्रोल पर पड़ेगा बल्कि इसका असर सब्जियां जो बाहर से आती हैं जो वो भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सीधा सीधा वहाँ डीजल अगर महंगा होगा, दिल्ली में अगर वो डलवाएंगे महंगा होगा, तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार जो है, अब विरोध प्रदर्शन जरूर होंगे, लेकिन जो आम जनता के हितैषी सरकार थी कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो रही है, और ये साफ हो रहा है कि किस तरह से जो है आम आदमी की जरूरतों वाली जो चीज़ें उनको ही बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत
शुक्रिया आप दोनों का। चिराग गोठी हमारे संवाददाता और प्रमला दीक्षित दोनों जानकारी दे रहे थे किस तरह से दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग यहां पर अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने सस्ते दिन लाने का वादा किया था, जिसने कहा था कि चीजों की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में सब्जियों दालों और तमाम चीजों के दाम बढ़ने के संकेत हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर इस तरह वैट बढ़ाने से बीजेपी खफा है। पार्टी ने आज राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीजेपी ने इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया है। यह बताओ सदन के सामने जो इसके पक्ष में वहां गए, जो इसके विरोध में सदस्यों के हाथ देने पर आप अर्जिता प्रस्ताव पास हुआ। दिल्ली वालों पर आज वैट की जो तगड़ी मार पड़ी है उसका ट्रेलर पिछले महीने ही दिख गया था, जब 30 जून को केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में वैट संशोधन बिल पास कराया था। वैट की दरों को 20 से 30 फीसदी करने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे लेकर उस रोज सदन में बीजेपी ने जोरदार हंगामा भी किया था। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने वैट बिल की कॉपी फाड़ कर अपना विरोध जताया था, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के नेता यही दलील देते रहे कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, इसे फिलहाल लागू नहीं कर रहे हैं। विधेयक पे चर्चा के प्रस्ताव से पहले ही वो लोग बिल फाड़ के भाग गए। चर्चा हुई है उसके बाद मैंने वक्तव्य दिया है, सोमनाथ जी बोले हैं, और भी अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि और भी कोई सदस्य रखना चाहे, तो चर्चा का जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने चर्चा के प्रस्ताव का विरोध किया कि चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप नेताओं का दिया भरोसा 15 दिन भी नहीं टिक पाया और आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि पड़ोसी राज्यों के साथ कर दरों में एकरूपता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि 21 मई को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें टैक्स में एकरूपता लाने पर राय बनी थी, ताकि एक दूसरे से सटे इलाके का बाजार प्रभावित न हो सके। केजरीवाल सरकार के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब सीएम केजरीवाल खुद को आम आदमी का हितैषी न बताते हों। आज केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्या ऐसे ही होती है आम आदमी की चिंता? आज तक ब्यूरो।